नमस्कार, कक्षा 8 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने जा रहे हैं। इस प्रश्न में हमें दिया गया है 3y प्लस 4 बराबर 2 माइनस 6y बराबर माइनस 2 अपॉन 5। जब भी हमें इस प्रकार से दिया हो कि यहाँ भी कोई प्लस वाली रकम नहीं है और यहाँ भी नहीं प्लस माइनस वाली, तो हम क्या करते हैं, इन्हें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है यहाँ की हर उधर अंश से यहाँ की हर उधर अंश से गुना हो जाएगी। आइए हम करें, 5 को गुना करना है 3y प्लस 4 से, और ऐसे ही यहाँ पर माइनस 2 है, ये गुना होगा 2 माइनस 6y से। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो याद रखिएगा 5 इस ब्रैकेट से गुना हो रहा है, इसका मतलब 5 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर माइनस 2 इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो आइए करके देखते हैं, 5 जब 3y से गुना होगा तो ये बन जाएगा 15y प्लस 5 जब 4 से गुना होगा तो 5 चौके 20 बराबर माइनस 2 जब 2 से गुना होगा तो बन जाएगा माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 गुना 6y बन जाएगा 2 छिके 12 साथ में y। अब हम क्या करेंगे, y वाली रकम एक तरफ ले जाएंगे, 15y यहाँ पे पहले से ही है लेफ्ट साइड पर, किसके लेफ्ट, बराबर के लेफ्ट साइड पे। 12y यहाँ प्लस का है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो ये बन गया 15y माइनस 12y। यहाँ है माइनस 4, ये है प्लस 20, लेकिन जब ये उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज होके बन जाएगा माइनस 20। अब इसे हल करते हैं, 15y माइनस 12y, 15 में से 12 हो गया 3y बराबर माइनस माइनस प्लस 4 और 20 24 साथ में साइन माइनस का, यहाँ से y आ गया माइनस 24, 3 इधर y के साथ गुना हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। अब हम इसे आपस में काट सकते हैं, तो काटने के लिए देखिए 3 के पहाड़े में कट जाएगा, 3 8 24 और इस 8 के साथ माइनस भी है, तो y की वैल्यू आ गई माइनस 8। तो इस प्रकार से हमने देखा, हमने जो यह समीकरण हल की y में, इसमें y जो चर थी उसका जो मान आया है हमारे पास वो आया है माइनस 8, यही हमें निकालना था। समीकरण को हल करने का मतलब था y की वैल्यू निकालो, ये y की वैल्यू हमने माइनस 8 निकाल दी है। आशा करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको यह प्रश्न आसान लगा होगा, आसानी से समझ आया होगा। यदि आपको ये वीडियो समझ आया, ये प्रश्न समझ आया, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारी प्रेरणा बनिएगा, हमारी शक्ति बनिएगा। धन्यवाद।